फाइंड द रेशियो ऑफ द टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग टू नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड फॉर द सिस्टम सोन। कह रहा है कि यहाँ पर हमको क्या कैलकुलेट करना है, रेशियो किसका कैलकुलेट करना है, टेंशन का और स्ट्रिंग पर लगने वाले नॉर्मल का, इसका रेशियो कैलकुलेट करना है। चलो एक बात देखना कि यहाँ पर इसका वेट इधर होगा और कितना होगा mg, यानी कि 4g इधर होगा और टेंशन इधर होगा, और सेम वही टेंशन कंटिन्यूस स्ट्रिंग होने की वजह से यही टेंशन इधर भी लग रहा होगा टी, लेकिन ये इस ब्लॉक इस पर रखा हुआ है तो इस पर एक नॉर्मल भी लग रहा होगा और इसका वेट इधर लग रहा होगा जो कितना होगा इसका 6g के बराबर होगा, जो 6g के बराबर होगा। इसको W1 वेट कह रहे हैं, इसको W2 कह रहे हैं, यानी कि T इज इक्वल टू, फ्री बॉडी डायग्राम से यहाँ से T इज इक्वल टू कितना मिल गया हमको, 4g मिल गया, और यहाँ पर देखो T इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, T प्लस N इज इक्वल टू, T प्लस इस वाली बॉडी के लिए, सेकंड वाली बॉडी के लिए T प्लस N इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमको, T प्लस N इज इक्वल टू हमको मिल रहा है 6g मिल रहा है, क्या मिल रहा है हमको 6g मिल रहा है, और T की वैल्यू हमको 4g मिल गया है और प्लस N इज इक्वल टू 6g, और यहाँ से N इज इक्वल टू क्या मिलेगा 6g माइनस 4g, और N इज इक्वल टू हमको मिल गया 2g, और T इज इक्वल टू कितना मिल गया है हमको 4g मिल गया है, और इसी दोनों का रेशियो पूछ रहा है। तो T बाई N इज इक्वल टू, T की वैल्यू 4g है और N की वैल्यू 2g है, और G से G कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 कैंसिल हो गया, T बाई N का जो रेशियो आया 2:1 आया, या T रेशियो N जो आया वो 2:1 आया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर B है वो करेक्ट है।